बाप मजाक उड़ा रहा है। अच्छा घर वाले मुझे एक साल हो देते डिसअपॉइंट कर देते हैं यार। मेरा सपना मत छीनिए पापा प्लीज। ये सपना यार मारती नहीं हो तोड़ती हूँ माई। मेरी दुआ जी मुझे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल पे जो नया चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा जी आज की जो हम वीडियो जिसपे रिव्यू कर रहे हैं वो न्यू आने वाली मूवी है मिस्टर एंड मिसेस माही। ये मूवी किसी क्रिकेटर पर दूसरी दफा बन रही है। कोई एक क्रिकेटर है जिस पर माही नाम है महेंद्र सिंह धोनी को शॉर्ट फॉर्म में या प्यार से माही कहते हैं। तो एक पहले मूवी आ चुकी है उनकी महेंद्र सिंह धोनी की तो ये भी उन्हीं के नाम से ना बन रही है माही। तो देखते हैं जी इसमें कौन कौन सी कास्ट है। एक तो ये मूवी रिलीज हो रही है 31 मई को और एज ए हीरोइन काम कर रही है जानवी कपूर। हीरो इनके अपोजिट है राजकुमार राव। जरीना वहाब है जी और उमेद मिश्रा है जी इसमें और राजेश शर्मा इनमें इसके साथ कास्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं जी इनका टीजर आया हुआ है कि मूवी कैसी है तो देखते हैं अच्छी लग रही है आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर करते हैं ये मूवी। चले जी आज शुरू करते हैं जी। चले आपको रीडिंग बहुत पसंद है ना क्या क्या पढ़ती है? एमा जेन एयर एलेनोर पार्क। आप पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ रहे हैं। पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हैं आप? मैं अखबार मैगजीन ट्विटर फेसबुक दुकान रोमांटिक हो रहा है पहले से क्या लग रहा होने लगा दिल। संजोग तो देखिए इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है माही। अच्छा दोनों हीरो हैं तो माही नाम नहीं है। ब्रेडवुड पे छक्का मारना है बच्चे। मैं दिल तेरे कदम अच रखा ढोलना मैं तेरे आगे अखियां ना चक्का ढोलना। बताया क्यों नहीं तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है? मेरे लिए ना क्रिकेट इज लाइफ बट लाइफ इज क्रिकेट। ओ जादू है रे जादू। अच्छा जी इसमें ना मूवी में दिखाया गया मैरिज की ना आफ्टर लाइफ दिखाई गई है कि 99% मूवीज में ना ये होता है लव चलता और एंड में शादी होती है। उसके मसले मसाल चल रहे होते हैं जी लड़ाई झगड़े ये और शादी के चक्कर में ना के एंड पे शादी होती है तो मूवी खत्म होती है। बहुत कम मूवीज ऐसी होती है जो आती है जो साथ ही शादी हो जाती है उसके आफ्टर लाइफ ना मैरिज दिखाई जाती है। जैसे की लास्ट ये ज्यादा बेस्ट होता है जैसे की लास्ट मूवी एक गई थी शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी एक मूवी मूवी ऐसी थी जो साथ ही शादी हो जाती है और जितनी भी मूवी थी वो शादी के बाद की ना लाइफ दिखाई गई थी। इसमें भी सेम ही दिखाया गया जी। तेरी बातों में सुनी सुनी काली काली रातों में हम करके थक गया तो थोड़ा काम कर लो दुकान में जरूरत पड़ती है। भाई भैया तो आपका फोटो क्यों नहीं है? बेटा जो जीवन में छक्के लगाते हैं वही यहाँ नजर आते। बाप मजाक उड़ा रहा है घर वाले ना। पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं दो तीन ऐसे जो अपनी लाइफ बताते हैं। एक तो वो है शाहीन शाह रिजवान रिजवान हो गया नसीम शाह उसके वालिद ने भी इसी तरह किया था। वो बेचारा दूसरों के जूते पहन पहन के और फिर नसीम शाह के वालिद पठान और बहुत सख्त मारते थे और इनकी ये छुपके ना अपने वालदा को बता के जाते थे वो जूते और किट उन्होंने ना किसी और के घर पे रखे होते थे वहां पहन के जाते थे तो अपने वालदा को बता के जाना उन्होंने तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। आज वो कामयाब हो गए तो वाले साहब उनकी ये खुद बात बता रहे होते थे कि मैंने बड़ा ही सख्ती की है कि ये क्रिकेट ना खेले लेकिन ये कामयाब हुए। अक्सर हमारे एशियंस में इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो बहुत सख्त करते हैं वो कहते हैं जो हमने कह दिया वो कहते हैं जो हमने कहा वही करना है। तुम मारती नहीं हो तोड़ती हो माई। तुम्हारे पापा चाहते थे तुम क्या बनना चाहती हो माई?
अच्छा वो भी तो अपने आप को इसमें देख रहा है कि मेरे बाप ने नहीं बनने दिया तो इसके तो बाप ने भी नहीं बनना। वही घर वालों की बात है, बाप ने कहा डॉक्टर बनना तो वो बन गया। ऐसी बात है, लड़की है तो मान नहीं माना, सिर्फ मेरे लिए। और है कौन मेरा? अब वो ऐसे स्पोर्ट कर रहा है कि मुझे किसी ने नहीं स्पोर्ट किया था। तो दाल रोटी मिल रही है, जिस दिन हाथ हट गया ना, पता तू कहाँ जाओगी, क्या करोगे? जिस दिन मेरा सिखाओ प्लेयर इंडिया खेलेगा ना, यह बीच में फोटो लगाओगे मेरा। कभी भी मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? अच्छा वो उसमें शक कर रही है कि मैं भी कुछ अपने लिए मैं क्रिकेट के लिए बनी नहीं हूँ। बड़ी अच्छी मूवी लग रही है। इससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए। 31 मई को रिलीज हो रही है जी ये थी, ये टीजर बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं जी मूवी भी बहुत अच्छी होगी और थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा ड्रामा थ्रिलर इसमें है। लेकिन नहीं, हमारे उसमें कहते हैं ना कि शादी हो गई तो बस खत्म। हाँ ये तो ये चीज होनी चाहिए जी, शादी हो गई सब कुछ खत्म नहीं होना चाहिए। हस्बैंड अच्छा हुआ तो इंसान कुछ भी कर गुजरे। लड़कियों को ना माँ बाप कहते हैं जी ये शादी के बाद करना, तो जब वो शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड कह रहा होता है जी ये पहले घर से करके आना था। तो ये बिचारियों के ना सपने बीच में भी रह जाते हैं, तो इसमें मूवी में दिखाया है कि वो अपना भी सपना पूरा कर रहा है और साथ अपनी वाइफ का भी सपना पूरा सपना कर रहा नहीं, है। ख्वाब ख्वाब सपना हो इंडियन की तरफ से जी, सपना हो गया भाइयों की तरफ से। तो ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।